Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome back to your own YouTube channel. मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल. तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम वीडियो देखेंगे फर्स्ट ट्रेन जर्नी फ्रॉम इंडिया टू नेपाल. सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है. इस वीडियो को हम देखते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इंडिया से नेपाल के लिए ट्रेन जाती है और अगर जाती है तो कौन सी जाती है. तो लेट्स स्टार्ट. कहते हैं भारत और नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता है क्योंकि यहाँ दोनों देश व्यापार से तो जुड़े हैं पर इन दोनों देशों के परिवार भी बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हैं. भारत और नेपाल का बॉर्डर हमेशा से ही दोनों देशों के नागरिकों के लिए खुला रहता है और नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने के संसाधन बहुत सारे हैं. बात करें रेल मार्ग की तो करीब 8 साल के बाद अब फिर से इन दोनों देशों के बीच ये दिलों को जोड़ने वाली लाइन बिछ चुकी है और नेपाल भारत का प्रेम अब और भी पक्का और ज़्यादा मजबूत होने वाला है. और आज मैं भी इसी नई यात्रा का गवाह बनने जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ आप भी इस विशिष्ट यात्रा का भागी बनिए. हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को. तो फिलहाल मैं हूँ अभी जयनगर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से बहुत ही स्पेशल जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है. एक और चीज़ है कि जयनगर बोल सकते हैं कि एक तरह से एक बॉर्डर स्टेशन है, लास्ट स्टेशन है इंडिया का. इसके बाद से जो नेपाल की बॉर्डर है वो शुरू हो जाती है. इंडिया की ट्रेन सिर्फ यहीं तक चलती है लेकिन आज हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं और जाने वाले हैं नेपाल तक. तो ये मेरी एक तरह से पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है. तो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ जयनगर से नेपाल के कुर्था तक और ये ट्रेन जो है ये पहली बार चलाई गई है इस रूट पे. तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया मौसम है. तो बिल्कुल, मैं सुबह से परेशान था कि जो ट्रेन है पता नहीं कब से चलेगी, लेकिन भैया की शॉप पे आए तो आज के पेपर में देखा हुआ है कि सुबह 8:15 पर जो है ट्रेन चलने वाली है. देखते हैं कि 8:15 पर चलती है या फिर और लेट होती है. चलिए, ट्रेन के टाइमिंग का तो समझ में आ गया. बाकी अगर बात करें जयनगर स्टेशन के बाहर की ना, तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा स्टेशन है ये, लेकिन एक चीज़ है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ने वाली है ना, वैसे वैसे स्टेशन का डेवलपमेंट जो है वो होता रहेगा. एक चीज़ और है कि स्टेशन के ठीक बाहर आपको ATM मिल जाएगा, तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो कैश आप निकाल सकते हैं ताकि आप अगर नेपाल में जाओ तो फिर आपको मतलब ऐसा कोई दिक्कत ना हो. हालांकि वहाँ पे इंडियन रुपीज़ जो है वो चल जाता है, तो इसलिए पर उसके लिए कैश होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ही खूबसूरत है आज का दिन. तो यहाँ पे बाकायदा एक चीज़ अच्छी है कि सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपको नेपाल ट्रैवल करना है तो आपको क्या क्या दस्तावेज जो है आपके साथ रखने होते हैं. वैसे 2 तारीख को इसकी शुरुआत हो चुकी थी लेकिन आज आम पब्लिक के लिए इसे पहली बार खोला जा रहा है. और ये जो प्लेटफॉर्म है ना जिधर मैं जा रहा हूँ अभी, यहीं से मेनली वो ट्रेन जो है वो चलेगी और यहीं से आपको टिकट जो है वो भी यहीं से लेना होगा, उस तरफ से कोई मतलब नहीं है. और ये इंडियन कस्टम्स, इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा. इंडियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको अपना फोटो आईडी जो है वो दिखाना होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. अदरवाइज़ कोई और नेशन का जो ट्रैवलर है वो शायद इसमें इतनी आसानी से ट्रैवल ना कर पाए. तो ये है वो टिकट काउंटर जहाँ से आपको टिकट जो है वो मिलेगा. और बात करें टिकट कॉस्ट की तो यहाँ आप देख सकते हो सारे स्टेशन तक का जो टिकट है वो यहाँ पे दिया गया है. बाकी फेयर देख रहे हैं ना, ये नेपाली रुपीज़ में है और इस स्टेशन का देख रेख जो है वो नेपाल के अधीन है. और अभी फाइनली बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, सब लोग लाइन में जो है वो लग चुके हैं. देखिए, हम नेपाल जा रहे हैं और भैया के पास नेपाली 500 रुपये जो है वो रखे हुए थे, तो कुछ ऐसा होता है नेपाली 500 रुपया. चलिए, हमारा इंडियन करेंसी भी वहाँ चल जाएगा ना भैया. तो टिकट प्रिंट होने में तो काफ़ी टाइम लग रहा है, करीब 1.5 घंटे हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए पर अभी तक टिकट जो है प्रिंट नहीं हो पाया. लेकिन इस दौरान जो ट्रेन जो है ना वो आ चुकी है, तो पहले अराइवल जो है वो दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टिकट मिलती नहीं मिलती है. नेपाल और भारत के बीच वैसे तो आज़ादी के पहले से ही ट्रेन चलती थी. 1937 में नैरो गेज की ट्रेन भारत के रक्सौल से नेपाल के अमलेखगंज के बीच चलती थी. उसके बाद जयनगर से जनकपुर के बीच भी रेल सेवा शुरू की गई पर उस वक्त लकड़ियों को ढोने के लिए सूट का इस्तेमाल होता था. चलिए, बात करें टिकट की तो टिकट जो है वो नहीं मिल पाया, मतलब प्रिंटर ख़राब था, इसलिए मैन्युअली जो है
वो टिकट लिख करके दिया गया है, और बाकी जिनको टिकट नहीं मिल पाया वो लोग ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं और उनका टिकट जो है वो ट्रेन के अंदर ही बन जाएगा। तो ऐसे टिकट जो है वो मिल रहा है आज के दिन में, लेकिन आपको अपना आधार या फिर वोटर कार्ड जो है ना वो अपने साथ रखना पड़ेगा, तभी आपका जो टिकट है वो बनेगा। चलिए फिलहाल आपको इंटीरियर जो है वो दिखाते हैं सेकेंड सीटिंग का। तो बिल्कुल टिपिकल DMU ट्रेन जो है बिल्कुल वैसे ही इसका इंटीरियर है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि यहाँ पे जो फैंस है ना वो दिए गए हैं, ये इसका पिक्चर लगी मुझे। आप कहाँ जाइएगा, टिकट मिला है आपको? देखिए दिखाई है, देखिए कुछ ऐसे मैनुअली जो है वो टिकट मिल रहा है, टिकट पे लिख के दिया है, प्रिंटर नहीं काम कर रहा है। ठीक है ठीक है, तो कुछ ऐसे टिकट जो है वो मिल रहा है। बाकी अगर बात करें सीट्स की ना, तो सीट्स कुछ ऐसी है, नॉर्मल कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी इसकी है। तो ये सेकेंड सीटिंग की सीट्स है, लेकिन हमारी टिकट जो है वो AC क्लास में है। चलते देखते हैं कि AC क्लास जो है वो कैसा है। अरे ऊपर नेपाल जा रहे हैं आप लोग जनक दर्शन करने, कैसा लग रहा है पहली बार ट्रेन से जा रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है, सुविधा हो गई ना बस से, अच्छा है ना? चलो ये बढ़िया चीज़ है, सब लोग खुश हैं। आप लोग पहली बार जा रहे हैं नेपाल गाड़ी से? पहली बार ना, कैसा मतलब अभी लग रहा है? अभी पहले बस से जाते थे, अब सीधे ट्रेन से। इतना आनंद आ रहा है जिसका कि आनंद मिल रहा है, लगता है कि हम लोग एक तो एक दूसरे देश से दूसरे देश में हमारा ये गाड़ी का। वैसे भी रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और भारत का, बड़े भाई छोटे भाई का। बिल्कुल हाँ, चलिए सभी लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहली बार ट्रेन से लोग जो है वो नेपाल की यात्रा जो है वो कर पाएंगे। और ये हमारा AC चेयर कार, लेकिन अभी तक जो इसके दरवाजे हैं वो नहीं खुले हैं, देखते हैं कब खुलता है। लेकिन काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसमें यात्रा करने में, क्योंकि DMU ट्रेन में पहली बार AC चेयर कार में देख रहा हूँ। हालांकि कश्मीर में ऐसी ट्रेन चलती हैं, लेकिन पहली बार मैं ऐसे कोच में सफ़र करने वाला हूँ। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये सारे कोंकण रेलवेज का स्टाफ और इन्हीं कारण से जो ट्रेन है वो चल पा रही है। चलिए फिलहाल चलते हैं अंदर, क्योंकि ट्रेन जो है वो चलने लगी है। हिमांशु भाई भी यात्रा करें हमारे साथ। और ये है AC चेयर कार, बड़ा ही लग्जरी लग रहा है, मतलब कारपेट जो है वो बिछा हुआ है, और कुछ ऐसा है वंदे भारत की याद आ रही है मुझे। वंदे भारत का एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो लग रहा है। और नए हाईवे बनने से रक्सौल अमलेखगंज रेल मार्ग को 1965 में बंद कर दिया गया, पर ये रूट फिर भी ऑपरेशनल था। पर उसके बाद 2001 में आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था और ये रेलवे लाइन पूरी तरह से बह गया। फिर इसके बाद यही एक छोटा सा हिस्सा बचा था, पर जिसमें 2014 के बाद कोई भी ट्रेन नहीं चली, क्योंकि नैरो गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन के लिए ये रूट भी बंद रहा था। और फिलहाल अभी 100 की रफ्तार में इस रेल मार्ग पर मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो ये अपना पहला हॉल्ट इनरवा रेलवे स्टेशन जो है वो आ चुका है, और ये पहला हॉल्ट है नेपाल का। तो फाइनली ये हमारा पहला हॉल्ट है, और पहला हॉल्ट नेपाल के अंदर, यानी कि सिर्फ जनकपुर जो है ना वही इंडिया में है, उसके बाद सारे हॉल्ट जो हैं वो नेपाल के अंदर ही होने वाले। यार सब लोग बहुत ही खुश हैं, यार सब लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं। हेलो हेलो सर, बनारस। अच्छा हम भी बनारस से ही हैं। तो सभी लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साहित हैं, और यहाँ पे एक और रेक जो है वो रखा हुआ है, तो बहुत सारी रेक जो हैं वो चलेंगी, लेकिन फ़िलहाल आज के दिन में सिर्फ एक रेक चल रही है, और यही रेक जो है अप एंड डाउन करने वाला है। और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, सब कुछ सेम है, मतलब वहाँ की गाड़ियाँ देखो बिल्कुल, ये हमारी बजाज की गाड़ियाँ हैं, और उस तरफ TVS की गाड़ी खड़ी है, तो सब इंडियन बाइक्स ही हैं, बस नंबर प्लेट जो है वो अलग दिखता है आपको। और एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया कि नेपाल में एंटर करने के तुरंत बाद जो Jio का सिग्नल है वो निकल चुका है, सिर्फ Airtel का सिग्नल जो है वो आ रहा है। तो मोबाइल कनेक्टिविटी के मामले में देखा जाए तो फिलहाल अभी यहाँ इनरवा तक Airtel का सिग्नल जो है वो आ रहा है, लेकिन Jio का सिग्नल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ऊपर सामान रखने के लिए ना काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। कर्टन्स, वाकई यार ये कर्टन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी रॉयल लग रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
उचित रेल टिकट लेकर ही यात्रा करें, बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। और बात करें सीट्स की ना, तो सीट्स कंफर्टेबल हैं, ऑल्दो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जैसे हमारे वंदे भारत या फिर वंदे भारत की बात छोड़ दो, आप तेजस की बात करता हूँ, उनकी सीट से मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ शताब्दी की अगर बात करें ना तो वो ज़्यादा अच्छी है, उनकी कुशनिंग ज़्यादा अच्छी है। और इनकी सीट की कुशनिंग जो है ना वो नॉर्मल सिंपल ही है, तो बहुत ही सिंपल रखी गई है। तो इतनी छोटी जर्नी में करीब 7 स्टेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और अभी खजुरी स्टेशन जो है वो पहुंचने वाले हम। इंटरनेशनल ट्रेन होने के कारण से जो सिक्योरिटी है इस ट्रेन की वो भी काफ़ी पुख्ता है। और चाहे वो कोई भी स्टेशन हो, हर स्टेशन पे आपको भीड़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। और कुछ ऐसा है जनरल क्लास का हाल, ये फैन तो बहुत ही कमाल के, मतलब चारों तरफ जो है वो पैसेंजर्स को हवा दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। वाकई में ये बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस है इस ट्रेन में ट्रैवल करने का। और फिलहाल मैं अभी सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा हूँ, ठीक इसके पीछे वाला जो कोच है वो एसी क्लास है, लेकिन उसमें बहुत ही कम लोग हैं, अगर मेरे को बात करनी है लोकल लोगों से तो मुझे सेकेंड क्लास में ही आना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ है, तो ये लोकल ट्रेन ही DMU ट्रेन है, लेकिन इस ट्रेन में आपको जो वॉशरूम है ना उसकी फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। वॉशरूम बहुत ही साफ़ सुथरा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो सिर्फ कुर्था तक जाने वाली है। और बात करें इस पूरे रूट की, तो ये रूट जो है वो जयनगर से बर्दीवास तक का बनाया गया है, मतलब काम जो है वो चल रहा है, लेकिन सिर्फ पहला स्ट्रेच जो था वो सिर्फ कुर्था तक ही था। ये करीब 34 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इसको अभी खोला गया है। इसके बाद से सेकंड फेज़ में कुर्था से लेकर के बर्दीवास तक का जो रूट है वो भी तैयार हो जाएगा, ऑलमोस्ट वो तैयार हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग जो है बस वो बाकी है। तो बहुत जल्दी वहाँ तक भी ट्रेन जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। और बात करें इस रेल रूट की, तो इस रेल रूट को तैयार किया है हमारी प्यारी कोंकण रेलवेज ने, मतलब कोंकण रेलवेज को यहाँ बुलाया गया और सारा जो रेलवे लाइन बिछाने का काम है ना वो हमारी कोंकण रेलवेज ने किया। तो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो जनकपुर जो है वो आने वाला है, और उसके बाद से कुर्था जो है वो पहुँच जाएंगे हम, लेकिन जनकपुर बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले उसका अराइवल जो है वो लेते हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल करके ट्रेन को देखना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी साल बाद इस रूट पर ट्रेन जो है वो चल रही है, चाहे वो स्कूली बच्चे हो या फिर घर के बड़े हो, सभी लोग घर के बाहर निकल करके ट्रेन को देखना चाहते हैं। तो जनकपुर में आपको कुछ पुराने जो रूट का अवशेष है ना वो देखने को मिल जाएगा। मैंने हाँ ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये बिल्कुल पुराना नैरो गेज का इंजन,
तो फाइनली पहुंच चुके हैं जनकपुर धाम और ये है बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेनली यहाँ पे भारत से लोग आते हैं जनकपुर धाम विजिट करने के लिए। और जनकपुर धाम क्यों फेमस है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि मिथिला नरेश का नाम सुना होगा आपने, राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक की जो पुत्री थी माता सीता, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। राम मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर कौन है? कौन सा लक्ष्मण मंदिर? लक्ष्मण मंदिर है, जानकी मंदिर है और जनक जी का मंदिर भी है ना, जनक धाम वही मेन है। यहाँ से स्टेशन से कितना दूर होगा? थोड़ा ही दूर है, मतलब यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा किसी को भी? यहाँ पर मिले। अच्छा, वहाँ पे बैटरी रिक्शा कोई भी रिक्शा मिल जाएगा? जानकी मंदिर। अच्छा, तो यहाँ से आप आराम से रिक्शा में बैठ करके ना सारे धार्मिक स्थल जो है वो घूम सकते हैं। और मेनली यहीं पे लोग आएंगे, यहीं पे लोग ट्रेन को डिबोर्ड करेंगे जो लोग जनकपुर धाम घूमने आएंगे, जो लोग सारे टेम्पल्स जो है वो देखना चाहते हैं। बच्चे बहुत ही खुश हैं। कभी ट्रेन में बैठो इधर? नहीं बैठो? अब बैठोगे इसमें? ये बच्चे फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रेन को देख रहे हैं, शायद जब ये पैदा हुए होंगे ना तब यहाँ के जो ट्रेनें हैं वो बंद हो चुकी होंगी और अब इनको ट्रेन देखने को मिल रहा है। कैसा है, कैसा है ट्रेन? अच्छा है, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कब जाओगे फिर इसमें? अभी अभी दवा नहीं है, हाँ और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले में जो है वो हार डाल दिया गया हो। खैर, फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने जर्नी के लास्ट स्टॉप यानी कि कुर्था, और अराउंड 34 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और समय अगर आप नहीं पूछे तो अच्छा होगा, क्योंकि करीब 2 घंटे का समय जो है वो लगा हमें ये डिस्टेंस कवर करने में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के लास्ट हॉल्ट यानी कि कुर्था, और सिर्फ यहीं तक हमारी ट्रेन का जर्नी था और इसके बाद से हमारी ट्रेन जो है वापस रिटर्न होने वाली है जयनगर के लिए। एक और चीज़ है, इसके आगे ना यानी कि बर्दीबास तक जो रूट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस हल्की सी फिनिशिंग जो है वो बाकी है। तो वो होते ही ये ट्रेन जो है वो और आगे तक जाएगी और उसके बाद से जयनगर से बर्दीबास तक जो ट्रेन है वो चलनी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं कि रूट जो है कब तक तैयार होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक की जर्नी करके काफ़ी मज़ा आया और पहली बार नेपाल के अंदर मैं आया हूँ। बचपन में पता नहीं कब गया होगा मैं, लेकिन अपने होश में पहली बार नेपाल में आया हूँ और वो भी रोडवेज से नहीं बल्कि रेलवे से। और एक और चीज़ है कि अगर ये चीज़ सफल हुई ना तो इसके बाद इंडियन रेलवे जो है वो काठमांडू से रक्सौल के बीच भी जो रेलवे लाइन है वो भी बनाने की कोशिश करेगा, शायद उसका भी कुछ प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है। तो आने वाले समय में उस रूट पर भी जो ट्रेन है वो आपको देखने को मिल जाए। तो हमारी जर्नी में बहुत सारे मेहमान भी थे, बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। आप बनारस से आए थे और आप लखनऊ से, आपके चैनल का नाम क्या? यात्रा ऑन ट्रैक। यात्रा ऑन ट्रैक, तो इनको फॉलो कर लीजिए, ये लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बाकी और भी लोगों से आपको मिलवाता हूँ क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे। चलिए और लोग सबको मिलवाते हैं, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप भैया से मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से आपको चैनल नहीं खोले थे, उसके पहले से इनका वीडियो देखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, इनसे मिलने की बहुत इच्छा थी और आज हमारी इच्छा पूरी हुई। थैंक यू सो मच सर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मत बोलिए बस। नहीं सर, आपके वीडियो ही देख के हम लोग आप बड़े हमसे बड़े बड़े हो चाहे छोटे हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मामले में आप एकदम आगे हैं और सबसे आगे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सब लोग थोड़ा हाय हेलो बोल दो यार। हाय हेलो। तो ये लोग हमारे साथ सफर कर रहे थे, इन सबको मिलवा दिया था। मोनू भी सफर कर रहे थे, 600 दिए थे ना मैंने। भाई हाय बोल दो। हेलो। तो ये सभी लोग सफ़र कर रहे थे मेरे साथ और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सभी लोग शायद पहली बार नेपाल आए, वो भी ट्रेन से, पहली बार ट्रेन चल, तो पहली बार ही आए होंगे। चलो काफ़ी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला, बस बीच में इशू आए थे वो चलता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, चलता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और
एक और चीज़ है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हैं, मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, ओके। मैं वहाँ पे अपनी आने वाली जर्नी की सारी अपडेट जो है वो शेयर करता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक और चीज़ है, जय भारत और जय नेपाल। गाइज फाइनली बस, मतलब पहले बस चला करती थी इंडिया में, इंडिया से नेपाल, लेकिन ट्रेन, मतलब ट्रेन 8 साल के बाद कंटिन्यू हुई है। अच्छा, ये ट्रेन इंडिया से नेपाल, मतलब इंडिया से नेपाल के तो रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ट्रेन क्यों बंद हुई, इसके पीछे क्या रीज़न था, ये तो आप शेयर करिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में कि क्यों ट्रेन बंद की गई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, क्या रीज़न हुआ था। चलो पाकिस्तान का तो समझ आता है कि पाकिस्तान का इसलिए बंद किया था क्योंकि उनके साथ कश्मीर के की वजह से उनका जो है वो इश्यू हुआ था, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो नेपाल का क्यों बंद हुआ था, ये आपने मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी करते हैं वीडियो का स्टार्ट। यार नेपाल का जो नेपाल तक जाने का जो लोगों का जर्नी है, एक तो बहुत ही ज़बरदस्त, सबसे मेन चीज़ मैंने इस वीडियो में जो देखी है वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए मुझे, मतलब कि सबके फेस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट सी स्माइल थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी मुझे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्माइल के साथ साथ इनका जो फेस थे वो बहुत ही, मतलब एक खुशी, एक अलग सी खुशी मिल रही थी इनको, मतलब कि कुछ लोग जा रहे थे वहाँ पर लाइक अपनी पूजा के लिए, दर्शन के लिए। इट्स मीन के वहाँ पर जैसे पुजारी, पंडित और सतगुरु वगैरह हमें देखने को मिले ट्रेन में, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर लोग जो जाते हैं, मतलब वहाँ पर मंदिर वगैरह भी होंगे पूजा के लिए। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे पास एक टेंपल है जो कि पहाड़ के अंदर बना हुआ है हिंगलाज के नाम से, तो काफ़ी खूबसूरत और बड़ा मंदिर है मेरे ख्याल से, जो कि इंडिया से भी लोग उसमें आने की ख्वाहिश करते हैं। क्योंकि जैसे कि गुरुद्वारे की बात करें तो गुरु नानक का जो दरबार है, गुरुद्वारा है, वहाँ पर लोग आते हैं, तो मतलब कि वैसे ही यहाँ पर भी आने की बात करते हैं। खैर इसी तरह से यकीनन वहाँ पर भी कोई ऐसे बड़े टेंपल होंगे जहाँ पर लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है यार, यहाँ से एक उनके लिए रास्ता खुल गया। और एक तो ट्रेन का ये होता है कि थोड़ा रिलैक्स होकर बंदा सफ़र कर लेता है, और यहाँ से इजीली लोग जो है वो सफ़र कर सकते हैं, अच्छा रहता है। बाकी जर्नी मुझे जहाँ तक लगी सारी डे डे की थी तकरीबन, और बहुत ही ज़बरदस्त। और जब भी मैंने देखा है कि ट्रेन स्टार्ट होती है ना, तो ट्रेन की इनॉग्रेशन के वक्त उसको फूलों से सजाया जाता है, मतलब येलो कलर के फूल, बहुत ज़्यादा गेंदे के फूल लगाए जाते हैं। अब उसके पीछे क्या रीत है वो तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये ट्रेन कहाँ से स्टार्ट, मतलब हुई, इंडिया से स्टार्ट हुई है, इंडिया की ट्रेन है या फिर नेपाल की ट्रेन है? और इस ये जो ट्रेन थी बेसिकली, वैसे दिखने में बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है, तो यकीनन इसमें लग्जरी ट्रेन भी शायद हों, शायद नहीं भी हों, तो अगर आप लोगों ने कभी विजिट किया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने वहाँ देखा कि बच्चे भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और नॉर्मली इंडिया में, और अगर हम देखें इंडिया में और नेपाल में, इन लोगों का इतना इमिग्रेशन का प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं होता जैसे पाकिस्तान का और इंडिया का होता है। जैसे कि मुनाबाव जो स्टेशन है वहाँ पर अगर आप देखो तो किस तरह से इमिग्रेशन होती है, मैंने सुना है कि पूरा दिन भी लग जाता है। पाकिस्तान की तरफ से इतना नहीं लगता, लेकिन इंडिया की तरफ से पूरा दिन लग जाता है। सेम वैसे ही वाघा बॉर्डर का भी यही प्रोसेस होता है। तो खैर अब ये देखेंगे आने वाले वक्त में कि क्या प्रोसेस है इनका, लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि बहुत ही अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर भी ट्रेन ऐसे ही स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है ना। मैं ये ट्रेन देख के ना मेरे जहन में एक ही चीज़ आ रही थी कि काश हम लोग भी तो विजिट कर पाए ना। चलो गवर्नमेंट चेंज हुई है, 1 साल के लिए सही, तो ट्रेन ही स्टार्ट कर दें यार, 1 साल के बाद फिर बंद कर दें, हम लोग तो विजिट करके आ जाए यार, थोड़ा सा रिलीफ दे दें हमें भी। तो खैर उस टाइम पर इन्होंने ट्रेन बंद की है जिस टाइम पर हम लोग मतलब एक ख्वाहिश थी जाने की।
तो खैर आई होप कि आने वाले वक्त में कुछ गुड न्यूज़ भी सुनने को मिले, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन भी ऐसे ही और सेम इसी तरह से इजी वे में इमिग्रेशन हो, प्रोसेस जैसा केस में हुआ है। और इन्होंने ना एक कार्ड के ऊपर लिख कर दिया है शायद कि क्या पर्पज़, शायद ये लिख के दिया किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं या किस पर्पज़ आप वो क्या करते हैं, बेसिकली उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख कर दी गई है। तो ये बहुत ही अच्छी है। और जहाँ तक बाकी ट्रेन की बात करें तो ट्रेन भी बहुत खूबसूरत है, उसका जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल लेकिन कंफर्टेबल लग रही थी। और क्योंकि जर्नी इतनी ज़्यादा नहीं होगी तब भी उसी के हिसाब से इन्होंने जो है वो ट्रेन का इतना ज़्यादा इस तरह का रखा है। और दूसरा ये है कि मैंने एक और वीडियो भी देखा था जिसमें इंडिया से नेपाल का रास्ता जो है उसके दौरान जो एक वो बना हुआ होता है, क्या कहते हैं उसको, ब्रिज बनी हुई है, वो बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। तो उस ब्रिज के ऊपर से इनको क्रॉस करना होता है, तो वो वाला ब्रिज जो है वो उसके बारे में मैं मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्रिज है। अब मुझे याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है, शायद किसी का नेपाल का और इंडिया का है या फिर वो दूसरी कंट्री का, शायद किसी और कंट्री का होगा। वैसे कंट्री तो यही साथ में लगती है, बांग्लादेश या फिर नेपाल, तो मुझे लगता है नेपाल ही है वो, या फिर वो श्रीलंका का शायद हो, मुझे नहीं कन्फर्म, शायद मुझे नेपाल ही लग रहा है। एनीवेज ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रिकॉर्ड करके हमें दिखाया, सिंपल से नेपाल का स्टेशन है जो कि बहुत ही खूबसूरत और सबसे मेन चीज़ साफ सुथरा स्टेशन है। और इंडिया के भी अच्छे स्टेशन बने हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही डिफरेंट से सिंपल से स्टेशन है। हालांकि शायद ये छोटे से विलेज का कोई या कोई इतना बड़ा खास शायद शहर नहीं है जिसका ये स्टेशन था, जो कि फिर भी इतना अच्छा बना हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा इसके बारे में, बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रही हूँ इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।